सामने है बाशानी और उसके बिल्कुल बाशानी और फ्रेस्को के बराबर में ये है भाईजान इलेक्ट्रॉनिक्स। अस्सलाम वालेकुम, म्यूजिक बाय सुमैया से मैं हूँ सुमैया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है वाटर कूलर। ये वाटर कूलर कितने के मिल रहे हैं? ये वाटर कूलर को सोलर कूलर भी क्यों कहा जा रहा है? ये कितनी बिजली लेते हैं? ये किस तरह चलते हैं? किस तरह काम करते हैं? कितने के मिल रहे हैं? क्यों महंगे हो गए हैं? आज हम आपको बताएंगे इसी ब्लॉग में। तो हम बात करने अंदर चलते हैं और इन कूलर्स के बारे में आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं किस तरह ये गर्मी का तोड़ है। न्यूज़ बाय सुमैया से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त भाईजान इलेक्ट्रॉनिक पे मौजूद हूँ और ये हैं जैन भाई और इनके साथ आप देख रहे होंगे दो वाटर कूलर रखे हुए हैं। इन दोनों वाटर कूलर में क्या फ़र्क है ये आज हम जानेंगे और इनकी प्राइसेस में कितना इजाफा हो गया ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आज 9 जुलाई 2024 है और आज की तारीख के हम आपको ये रेट्स बताएंगे। बाद में आप जब ये व्लॉग पिक के आएंगे तो हो सकता है कि इसके रेट्स अप एंड डाउन हो गए हों। तो आएंगे खस का वाटर कूलर और चाइना जो पेपर आ रहा है हनी पेपर जो है हनी पैड जो है उसके वाटर कूलर में क्या फ़र्क है? क्या दोनों की हवा में भी फ़र्क है? नहीं, हवा में फ़र्क नहीं होता। देखिए ये नेचुरल चीज़ होती है, खस होती है, ये लकड़ी होती है। इसका सिर्फ ये होता है कि अगर आप इसको गीला करते हैं जब ये चल रहा होता है और उसके बाद आपने इसको गीला छोड़ दिया, ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे ना हवा है और ना धूप है, तो ये उस वक्त स्मेल करता है। ठंडक इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि कुदरती चीज़ है, लेकिन सिर्फ स्मेल की वजह से कस्टमर इसको अवॉइड करता है और हनी पैड वाला कूलर लेता है। हनी पैड का पैड जो होता है वो महंगा आता है और ये थोड़ा सस्ता पड़ता है हमें। इसकी वजह से इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है कि बस वो स्मेल की वजह से कस्टमर नहीं लेता और ये जो है कूलिंग की वजह से कस्टमर बहुत सारे इसको लाइक करते हैं। जो पुराने यूज़ करने वाले हैं वो ज़्यादातर ही हनी ये लेते हैं खस वाला और जो नए वाले हैं वो हनी पैड वाला लेते हैं। अच्छा अदनान भाई, आप हमें ये भी बताएं, इनका नाम अदनान है, मैं इनको जैन कह रही थी। अदनान भाई आप हमें ये भी बताएं कि ये जो वाटर कूलर है ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसकी कौन कौन सी चीज़ें बाहर से आती हैं? और दूसरा आप हमें ये भी बताएं कि इसमें क्या क्या लग रहा है? ये ब्लू रंग का ड्रम है और इसके साथ और मजीद क्या क्या चीज़ें लग रही हैं? अच्छा इसके अंदर ये देखिए एक मोटर लगी हुई है, सोगो पंप, ठीक है, ये एक पंप लगा हुआ है पानी का जो पानी को यहाँ से लेके ऊपर आता है स्टी के अंदर, ये पाइप यहाँ लग जाता है, पानी यहाँ पे जब ऊपर आता है तो इन होल्स के जरिए गिरता है, ये खस गीली होती है और उसके बाद ये ठंडी हवा देता है। जिस तरह बचपन में मम्मी का दुपट्टा ओढ़ के लेट जाते थे पंखे के नीचे तो ठंडी ठंडी हवा लगती थी, इसका भी पर्पज़ बिल्कुल वही है, सिर्फ जब ये गीला होगा उसके बाद जो है ठंडी हवा देना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से हनी पैड के अंदर होता है, इसी तरीके से इसके अंदर होता है, प्रोसेस सेम है, सब सेम है, बस सिर्फ उसकी शीट का फर्क है। अच्छा वो क्या वजह है अदनान भाई कि ये महंगे हो रहे हैं? काफी सारे व्लॉगर्स पे लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आपने तो ये प्राइस बताए थे, इसके ये प्राइस हो गए हैं। प्राइस बढ़ने की वो वजह भी बताएं और ये भी बताएं कि देखें अगर ये ड्रम आपने बहुत सारे लेके रख लिए हैं, ये शीट्स लेके रख लिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनें होती हैं ना वो उनके प्राइसेस में ज़्यादा अप एंड डाउन आता है, तो इस वक्त वो क्या वजह है इसका? जो इसमें लगने वाला अडॉप्टर है, इसमें लगने वाली जो मशीन है उनके क्या प्राइसेस चल रहे हैं? वो कितनी किस्म की आपके पास हैं और बग़ैर मशीन और अडॉप्टर के इनके क्या प्राइसेस हैं और उसके साथ इनके क्या प्राइसेस हैं? आज की 9 जुलाई की तारीख की हम बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब आप लोग व्लॉग देख के आएंगे तो तारीख कुछ और होगी, तो इट्स अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि मशीनें इनकी बाहर से आती हैं और जब बाहर से कोई चीज़ आती है तो वो डॉलर में आती है और उसका भी एक हिसाब किताब होता है डॉलर अप एंड डाउन होने का, तो ये सारे मैटर्स होते हैं। अच्छा सबसे पहले हम पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर रहते हैं, यहाँ जो चीज़ बिकती है वो महंगी हो जाती है। इस वक्त ना तो पेट्रोल बढ़ा था, ना कोई टैक्स लगा था, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट में माल शॉर्ट होने की वजह से सोगो का पंप इस वक्त बहुत हाई रेट के ऊपर बिका है। मतलब 350-400 वाली चीज़ जो है इस वक्त 950-950 रुपये में बिक रही है। मुझे याद है 40,000, 30,000 तकरीबन 35,000 का मैं कार्टून लेकर आता था, आज मैंने कार्टून तकरीबन कोई 1,05,000 1,10,000 रुपये का कार्टून खरीदा है 100 पीस का। अच्छा उसमें होता ही है जो पंप हम खरीदते हैं 100 पीस का कार्टून होता है और उसके अंदर ना कोई गारंटी होती ना कोई वारंटी होती, इंपोर्टर के पास गए उसने उठाया कार्टून ऐसे दे दिया आपको, अब उसमें टूटा हुआ निकले बंद निकले वो सारा हमारा होता है जिसकी वजह से ही हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है जिसके पास माल होता है मार्केट के अंदर वो अपना रेट दे रहा होता है, इस वजह से जो है सिर्फ कूलर का रेट बढ़ा है, बाकी कूलर के रेट के अंदर और कोई मसला नहीं आया। बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये बढ़े थे, बाकी सिर्फ पंप ये चाइना का होता है, इसके अंदर जो मोटर लगी है बलिनो मोटर ये चाइना होती है, जो सप्लाई लगी है
वो पूरा कंटेनर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑल्टर होती है, फिर उसके बाद मार्केट में आती है। उसमें भी ये हुआ, इस वक्त जब कूलर बिकना ज़्यादा हुआ, बलिनों के पंखे बिकना ज़्यादा हो गए, तो उसके बाद वो सप्लाई भी शॉर्ट हो गई। शॉर्ट हुई तो जिसके पास माल था उसने अपने रेटों पर चढ़ा, जिसकी वजह से ये रेट जो है ऊपर गए। वरना अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारा पंखा तकरीबन कोई 4-6 महीने हो गए, 5,500 रुपये का रेट था। हमारी पुरानी वीडियो उठा के देखें, आज भी पंखा 5,500 का है, क्योंकि उसके अंदर कोई ब्लैक नहीं हुआ। कंपनी का जो रेट था वो ये, ना कॉपर हुआ ऊपर नीचे हुआ है, ना कोई चीज़ हुई है, ना टैक्स लगा। अच्छा, चलिए आप हमें मोटर और वो अडॉप्टर भी दिखाएं और उसकी किस्में भी बताएं और फिर प्राइजेस भी बताएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस वक्त ये मोटर लगी हुई बलिनो की, ये पहले मिलती थी आपको 1,000 रुपये की, 1,200 रुपये की, 1,100 की। इस वक्त इसका रेट जो है 1,350 रुपये का। ये सप्लाई होती है, अडॉप्टर होता है जो अल्टर होके लगता है। ये भी तकरीबन 500-600 रुपए का आइटम था, इस वक्त मार्केट के अंदर 900 रुपए का। क्या ये पाकिस्तानी है, बाहर से आ रहे हैं? ये बाहर की होती है, लैपटॉप के चार्जर होते हैं बेसिकली। सही। इसके अंदर होता है, इसको ऑल्टर करके इसके वोल्ट और एम्पियर को बढ़ाया जाता है। सही। फिर ये जो है कूलर के ऊपर काम आती है जब इसके एम्पियर बढ़ते हैं। सही। ठीक है। इसके अलावा ये पंप होता है पानी वाला, ये भी चाइनीज आइटम है, तो इसके ऊपर भी रेट बढ़े हुए हैं इस वक्त। ये सोगो कंपनी का है, मार्केट में सोगो का इस वक्त माल मौजूद है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है इनके, रेट जो है सबने बढ़ा दिए। बस ये इसका पाकिस्तानी नहीं, चाइना है, इम्पोर्टर यहीं पर ही है इसका, लेकिन तो जो है माल जब नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ब्लैक के अंदर बिकता है, आपको तो पता है। प्राइस चाइना से बढ़ना है कि प्राइस पाकिस्तान? चाइना से नहीं बढ़ रहे, प्राइस यहीं से बढ़ रहे। अच्छा भाई, पाकिस्तानियों सुधर जाओ और सोगो की, जिसके भी हाथ में सोगो की मार्केटिंग है या जो भी वो उसके डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, प्लीज अल्लाह के वास्ते पाकिस्तानी हमेशा जो है ना उस चीज़ की चीज़ को महंगी कर देते हैं जो ज़रूरत होती है उस वक्त की, ना कि उस चीज़ को सस्ता करना चाहिए। तो ये कोई अमीर का एसी नहीं है, गरीब का जो है कूलर है, जो बेचारा 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके चाहता है कि मेरे बच्चे सुकून से ठंडी हवा में सो जाए, जिससे जैसी गर्मी चल रही है। तो अगर आप इस पे भी रेट बढ़ा दोगे तो गरीब बेचारा किधर जाएगा। चलिए तो फिर अदनान भी, अब आप हमें प्राइसेस बता दें कि खस वाले के क्या प्राइस हैं और हनी पैड वाले के क्या प्राइस हैं, अडॉप्टर के बगैर क्या प्राइस हैं और अडॉप्टर के साथ क्या प्राइस हैं, और जिस अडॉप्टर के साथ हम हमें प्राइस बताएंगे वो अडॉप्टर किस कंपनी का और कितने का है, क्योंकि अडॉप्टर की किस्में हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त जो कूलर है खस वाला जो चल रहा है, आज का जो रेट है 9 जुलाई का वो है 3,900 रुपये, और हनी पैड वाले का विदाउट सप्लाई जो है वो पड़ेगा आपको 5,000 रुपये का। इसके बाद इसके अंदर सप्लाई की अलग अलग किस्में, अलग एब्सेंस के नाम से आती है, हिटाची के नाम से आती हैं, बहुत सारी सप्लाई हैं, 850 रुपये की भी है, 950 रुपये की भी है, 1,200 रुपये की भी है, और 1,300 रुपये की है टोशीबा के नाम से। तो मतलब सप्लाइयाँ मुख्तलिफ हैं, जो आप सप्लाई लगवाएंगे वो दे देंगे। कूलर का रेट 3,900 रुपये और 5,000 रुपये, दो कूलर वाला कौन सा है? 3,900 फर्स्ट के अंदर पड़ेगा, हनी पैड वाला कूलर जो है वो आपको पड़ेगा 5,000 रुपये। अच्छा, इन दोनों कूलर्स में 3,000 वाला खस वाले में अगर हम अडॉप्टर लगाते हैं, किसी एक कंपनी का अडॉप्टर बता दें कि इस कंपनी का लगा के इतना का हो जाए। एब्सेंस का लगाएंगे तो 1,200 रुपये का पड़ता है, वो तकरीबन 5,100-5,200 रुपये का कूलर पड़ता है। हनी पैड में लगाएंगे तो 6,200 का पड़ता है। मतलब समझे, अच्छे वाले अडॉप्टर का बताया आपने जो 1,000 तक का है, तो समझे कि कूलर की कीमत 1,000 रुपये ज्यादा हो जाएगी जब आप अडॉप्टर लगवाएंगे, और अडॉप्टर के बगैर तो वो चल ही नहीं सकता। अडॉप्टर के बैटरी पे चलेगा। अच्छा, इसको सोलर क्यों कहा जा रहा है और ये किस किस टेक्नोलॉजी पे चल सकता है? ये बैटरी पे चल सकता है, जिसके यहाँ सोलर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, तो सारा दिन वो लोग क्या करते हैं, एसी-डीसी पंखे लगे हुए जिनके यहाँ एक प्लेट दो पंखे चला रहे होते हैं, जब दिन के अंदर उनको चलाना हो तो वो क्या करते हैं, इसके अडॉप्टर निकाल देते हैं और डायरेक्ट बैटरी पे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक जब भी सूरज होता है तो उनका वो बैटरी के ऊपर चल रहा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये होता है। सही। तो गर्मी का तोड़ है ये वाटर कूलर, और जो सोगो कंपनी के डीलर्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुनाफाखोरी नहीं करें, गरा फरोशी नहीं करें, ये जो हैबिट है पाकिस्तानियों में से बाज आ जाएं, क्योंकि जो चाइना की कंपनी है सोगो वो नहीं बढ़ा रही कीमत, यहाँ का डीलर इस पे पैसा कमा रहा है क्योंकि उसको पता है ये चल रहा है। और देखें, ये वो गरीब आवाम लेके जा रही है, ये 5 से 10 हज़ार के लगभग चीज़ है, मैं आपको लगभग इसलिए बता रही हूँ कि जिसके प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, तो ये 5 से 10 हज़ार के बीच में आने वाली चीज़ है, गरीब और मिडिल क्लास की एक ठंडी हवा देने वाली मशीन है। ये एसी नहीं है, ये सोलर एसी नहीं है, ये लाखों की चीज़ नहीं है जिसपे आप इतना कमा रहे हैं। तो गरीबों का खून तो वैसे किया इलेक्ट्रिक ने निचोड़ा हुआ है, आप मजीद ना निचोड़ें। और ये जो है भाईजान इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का कोई कसूर नहीं है इसमें, अगर पीछे से कोई मशीन महंगी आ रही है तो जाहिर सी बात है अपने जानिब से पैसे नहीं लगाएंगे। बहरहाल, भाईजान इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आएँ आप लोग, और ये मैं इनका नंबर भी शेयर करूँगी, इनकी लोकेशन भी शेयर करूँगी, और आप इस शॉप पे आएँ और ये ठंडे कूलर ख़रीदें, और ये आपके हिसाब से इसको सेटअप करके देंगे, चला के भी आपको दिखाएंगे।
और उसके साथ साथ आप इनको ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ सोलर सिस्टम है, बैटरी है कि इलेक्ट्रॉनिक, क्या आप क्या इलेक्ट्रिक की बिजली यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आपको पूरा सेटअप लगा के दिखाएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश लग गया है, तो मुंबई कूलर्स के साथ ये गर्मी का तोड़ है। और ये अच्छा एक सवाल और रह गया, ये वॉल्ट कितना लेते हैं और कितने पंखे, मतलब 24 घंटे अगर हम इसको चलाएं तो ये कितनी बिजली लेंगे? ये 12 वोल्ट पे चलेगा तो 4 से 5 एम्पीयर लेते हैं बैटरी के ऊपर, और अगर आप इसको बिजली पे चलाते हैं जो अडॉप्टर लगता है वो उस पर तकरीबन 24 घंटे में आपको 1 से 1.5 यूनिट लगता है। 24 घंटे में ये 1 से 1.5 यूनिट ले रहा है, यानी कि उसमें आपके 6 पंखे चल जाएं, ठीक है? तो ये बहुत ज़बरदस्त है, एक कमरे में चलाएं और सारे एक कमरे में गुजारा करें, बचत करें, और बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन आइटम है। इसकी चीज़ें बाहर से आ रही हैं लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कराची में हो रहा है, कराची के मेहनती लोग इसको बना रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको आके परचेज करें। और ये तकरीबन इसकी लाइफ कितनी होती है, 2-3 साल चल जाता है? देखिए केयर के ऊपर बात होती है, अगर आप इसको जैसे यूज़ करेंगे वैसे चलता ही है। अभी आपने यूज़ नहीं करना, आगे सीज़न ख़त्म हो जाता है, गर्मी ख़त्म हो रही है, आपने करना ही है इसको धूप में रखना, खुशक करना है इसकी खस को, ये हनी पैड को, जो भी है कूलर को, ऐसी रखते हैं ये खुशक हो जाएगा। उसके बाद किसी कपड़े में या बड़े शॉपिंग बैग में करके इसको साइड पर रखते हैं, धूल मिट्टी से बचाएंगे तो नेक्स्ट ईयर आपके काम आ जाएगा, ये दोबारा चलेगा, नहीं तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा, ये खस खरीदते हैं तो आपको पड़ती है 650-700 रुपए की, हनी पैड खरीदते हैं तो वो मार्केट में जो लोग मंगाते हैं कोई 500 रुपए रनिंग फिट बेच रहा है। करना था कि इस चीज की कोई एक चीज भी तब्दील हो सकती है, मतलब अगर अडॉप्टर खराब होता है तो सिर्फ अडॉप्टर कर लें, बैटरी खराब होती है बैटरी, ऐसा नहीं है कि पूरा चेंज करना पड़े। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में वो जो फैंसी वाले आपने कूलर देखे होंगे, चोरस रूम कूलर जो आ रहे थे, उसके अंदर होता ये है कि आप जब वो कूलर खरीदते हैं होता तो अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन उसमें क्या होता है हवा मूविंग होती है, तो उसके अंदर होता ये है कि जब कोई चीज टूट जाती है तो वो आपको यहाँ कराची में नहीं मिलती, या तो आप दुकानदार के पास जाओगे या किसके डीलर के पास जाओगे कि यार हमें ये हमारा टब टूट गया है आप मुझे टब मंगा दो, बोलेगा भाई गुजरात से मंगाना पड़ेगा, फिर वो अपने मुंह मांगे पैसे लेता है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पड़ती है, टूट फूट भी होती है, हर चीज़ मिल जाती है। कस्टमर आते हैं, अब जैसे रिंग टूट गया, ये आपके सामने रखा हुआ है, ये रिंग टूट गया कस्टमर का, रिंग यहाँ से मिल जाता है कारखाने से मंगा के। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि आप जितनी बाहर की चीज़ों की तरफ जाएंगे तो याद रखें उसके ऑल्टरनेटिव फिर आपको नहीं मिलते। बिल्कुल, तो मैन्युफैक्चरिंग यहीं की हुई हुई है, इसी में अच्छी चीज़ देख कर लें, मयारी मोटर मयारी अडॉप्टर लगाएं और केयर करें। देखिए केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्होंने जैसे कि बताया कि सीज़न ख़त्म हो तो इसको खुश्क करके इसकी जो ये खस है और जो हनी पैड है इसको ड्राई करके इसमें से पानी निकाल के इसको अंदर से थोड़ा साफ करके, और जब ये खुश्क हो जाए तो इसको थैली में लपेट के मलमल के कपड़े में ऊपर से थैली चढ़ा के इसको साइड पे रख दें तो ये आपका सालों चलेगा, और अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये फिर नहीं चलेगा। अच्छा एक सवाल और, आप क्यों नहीं यहाँ पर ये चला रहे, ठंडा ठंडा पंखा क्यों चला रहे, क्या वजह? नहीं, मसला ये यहाँ पे पानी का इशू है सबसे बड़ा, बाकी घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह दो लगे हुए, ऐसा नहीं है। भाई जान इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, जितना इनका कारोबार चल रहा है तो छोटी पड़ गई है शॉप, और इस वक्त माल भरा हुआ है माशाल्लाह शॉप में, और ऐसे ही हमारे कारोबार कराची के चलते रहे, हमारी यही दुआ है कराची वालों के लिए कि यहाँ की मार्केट चलेंगी तो ये शहर भी तरक्की करता है। बहरहाल मुझे न्यूज़ इज़ बाय सुमैया से, मुझे सुमैया खुर्शीद को और अदनान भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।